नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चलचल में, हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच नगर पालिका प्रशासन की आज शहर के अंबेडकर मार्ग पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई देखी गई, जहां पर सुबह गुमटी व्यवसायियों को नोटिस देने के बाद सुबह से ही गुमटी व्यवसायियों को हटाने की कार्रवाई शुरू करी। LIC चौराहे से कार्रवाई शुरू हुई, जो शोरूम चौराहे तक शाम तक कार्रवाई चली। इस दौरान गुमटी व्यवसायियों और नगर पालिका प्रशासन के बीच कई बार नोकझोंक के नजारे भी देखे गए। साथ ही साथ व्यापारियों के भाग जो अवैध अतिक्रमण था उसको लेकर भी नपा प्रशासन के खिलाफ व्यापारियों में खासा आक्रोश देखा गया। व्यापारियों ने नगर पालिका के जिम्मेदारों पर गलत कार्रवाई के आरोप लगाकर कहा कि जहां शहर में अवैध अतिक्रमण है, शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, साथ ही साथ अवैध रूप से गुमटियां रखी गई हैं, वहां पर नगरपालिका का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन गरीब लोगों के यहां कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाता है। साथ ही साथ गुमटी व्यवसायियों के आरोप है कि उन्हें पहले बताया नहीं गया और तुरंत नगरपालिका प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है उनसे उनका आजीवन प्रभावित होगा, साथ ही साथ उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं पूरे दिन भर कांग्रेस सहित आप पार्टी के नेता भी मौके पर पहुंचे और इस कार्रवाई को लेकर विरोध जताया और कहा कि नगरपालिका प्रशासन की हठकर्मिता के चलते कार्रवाई की जा रही है और जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं गरीब गुमटी व्यवसायियों को पूरे दिन भर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और शहर में बस स्टैंड सहित जो रातों रात गुमटियां रखाई गई इसको लेकर जब CMO CP राय से सवाल किया गया तो मीडिया के सामने कोई जवाब देते नहीं बने और कहा कि आगे वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अंबेडकर मार्ग पर कार्रवाई का नगरपालिका ने मोड़ बनाया है, लेकिन आखिर शहर के ऐसे क्षेत्र जहां पार्षदों सहित कई धन्ना सेठों ने अवैध तरीके से गुमटियां रख ली हैं और उन्हें किराए पर दे रखा है, उन गुमटी माफियाओं के खिलाफ आखिर नगरपालिका प्रशासन कब कार्रवाई करेगा? पूरे शहर की जनता के मन में सवाल नगरपालिका प्रशासन से उठ रहा है कि आखिर नगरपालिका प्रशासन कब इन गुमटी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा। गरीब व्यवसायियों की गुमटियों पर तो नगरपालिका ने कार्रवाई करते उन्हें हटा दिया, लेकिन अब इन गुमटी माफियाओं के खिलाफ क्या नपा प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर ऐसे ही ठंडे में मामला दिखाई देगा? साहब, हम गुमटी वाले जो हमारी निजी गुमटियां हैं, हमने तो किसी को किराए पे नहीं दी, जिसने किराए पे दे रखी उन पर कार्रवाई करी जाए। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये महीने का जो किराया ले रहे हैं उन पर कार्रवाई करी जाए। हैं जो कमा खा रहे हैं जिन पे तो कार्रवाई करके ना ये गुमटियां हटा दी। सुबह सूचना आ गई कि दुकानें हटाओ, हम जाएंगे कहाँ? आज देखने में आया किस तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल इस शहर में हो गया है। एक तरफ नगर पालिका द्वारा गुमटियां जो है खुद प्राइवेट बस स्टैंड पे अभी कुछ समय पहले स्थानीय विधायक की सहमति से वहाँ के पूर्व पार्षदों को गुमटियां अलर्ट करा गई और खुद जिलाधीश द्वारा उसको स्वीकृति दी गई। और एक तरफ जो गरीब लोग कोरोना के अंदर महामारी के अंदर इस तरह से परेशान थे उनको बिना सूचना के वहाँ अंबेडकर रोड पर से शुरू से लेकर लास्ट तक की गुमटियां उठाई जा रही है, उनको इस बात की जानकारी मिल दी गई कि गुमटियां उठाई। और सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आपको हाथ ठेले कार दिए जा रहे हैं, आप अपना व्यापार करो, रोजगार करो, लेकिन और दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी उनके नुमाइंदे किस तरह से घूमते उठा उठा के फेंक रहे हैं। देखो, जहाँ तक ये है ये नगर पालिका का बिल्कुल खुला तानाशाही चल रही है। आप देखें कि जब प्राइवेट बस स्टैंड पे 200 दुकानों को विस्थापित किया गया था तो उनको जगह दी गई थी और आज बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि कोरोना काल का समय चल रहा है और इस काल में किस प्रकार से लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, किस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं और परिवार का पेट पाल रहे हैं, उसके बाद भी सिर्फ एक ही मार्ग पर यह करना बिल्कुल गलत है। और यही CMO और पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार अखंड डूबी हुई है कि जिस प्रकार से रातों रात प्राइवेट बस स्टैंड पे 2 गुमटियां रखा दी गई, फिर उसके बाद 1 गुमटी और रख दी गई, जब ये खुद आगे रह के गुमटियां रखवा रहे हैं। मैंने खुद कई बार इनको लिखा है कि मेन चौराहे के ऊपर इन्होंने जो कपड़ों की दुकान लगाते हैं या दूसरी तरह की दुकानें जो अस्थायी दुकानें हैं वो रोड तक आ गई है, उस मुख्य रोड पर जहाँ की एक्सीडेंट होते रहते हैं। उस शहर में गुमटियों के लगने की शिकायत बराबर आ रही थी कि बराबर गुमटियां लगती जा रही है, अतिक्रमण होता जा रहा है, नगर पालिका कुछ भी नहीं कर रही है। आज हम लोगों ने एक मार्ग चुना है कि अंबेडकर मार्ग को पूरा क्लियर करेंगे। इस सिलसिले में यह कार्रवाई चल रही है। अंबेडकर मार्ग आज हम लोग पूरा करेंगे। इन लोगों का कहना है इनको सूचना सवेरे दी गई थी, बल्कि पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। इनको बराबर सूचना दे दी गई, कल भी दी गई थी, आज भी अनाउंसमेंट हुआ है, सबको सूचना है। आज हम केवल अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, कहाँ की वो भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण की रातों रात गुमटियां रखाई हुई है सर। शिवराज चौहान ने आज हम ग्रीन बेल्ट बनाया था, आज हम केवल वहाँ की बात कह रहे हैं अंबेडकर मार्ग की। आज हम पहले इसको करेंगे, इसके बाद दूसरी जगह देखेंगे, निश्चित तौर पर हटेगी, बारी बारी से चुनेंगे।